तो क्लास टेंथ के सभी विद्यार्थियों, हारे का सहारा, जी हाँ हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, क्योंकि आपसे मैंने वादा किया था, हिंदी में भी बहुत समझाया था कि बेटा यही चीज आने वाली जो मैं बताऊंगा, किन जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पछता रहे हैं, ठीक है, कि रियल पेपर के नाम पे कई लोगों ने आपको मूर्ख बनाया है। और अभी भी मौका है, एनसीईआरटी कोचिंग के साथ जुड़िए और अच्छे नंबर प्राप्त करिए। यदि वास्तव में आपको इतने नंबरों से आप पास करना है तो जो मैं देखिए बुक में पूरा लिखवा लिया है बच्चों के द्वारा, ए के बाद में बी देखेंगे, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई और एफ तक अपनी श्रृंखला चलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है बालकस्य इति कस्य विभक्ते अस्ति, षष्ठि विभक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। राजन शब्द से द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति, राजा नाम। सप्तमी विभक्ते रूपम किम, पितरी। अभी भी मौका है, मैंने आपसे बहुत समझाया था बेटा हिंदी के पेपर में वही फंसेगा, वही फंसेगा, जाकर मिलान कर लो, बात पे विश्वास नहीं तो एक वीडियो डाला हुआ है 2 घंटा 36 मिनट का, अभी भी प्ले लिस्ट में एड है, जाकर मिलान तो करो, पूरी चीजें फंसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो है उसमें चतुरा आ जाएगा, दूसरे की बात करें तो आमंत्रम, तीसरे में आपका जलम आ जाएगा, है ना, चौथा जाएगा बहार्या, पांचवें में मानवाई और छठा जो है विपत्तो आ जाएगा। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद में ये यहां से इसमें लिख गया। चलिए अब आगे देखते हैं, और आगे जो है वो है जोड़ी। पहला है अग्निदत्ता, अग्निदत्ता का आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास, इत्यादि में आपकी यन संधि है, क्या इत्यादि में यन संधि, गाय का आयादि संधि, चोराद भयम पंचमी तत्पुरुष, नर प्लस इंद्रा, नर प्लस इंद्रा का जाएगा नरेंद्रा, और ये गुण संधि का आपका उदाहरण है। राम लक्ष्मणों में आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। एक पदेन उत्तरम, तो आगत्य का आप जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, आगत्य इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, लिय प्रत्यय है ना, लिय प्रत्यय एक उदाहरण, हम तो ये आगत्य भी लिख सकते हैं या प्रादाय भी आप लिख सकते हैं। बालिका इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में आपका टाप प्रत्यय है। केशाम संपत्तो चा एक रूपता माताम, कुछ लवो कम उपसृत्य प्रमंता रामम, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति मातु, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध भवेयु इतस्मिन, इसमें कौन सा आपका शुद्ध अशुद्ध है, तो ये पहला आपका आम रहेगा, है ना, तीसरा आपका ना है, चौथा यदि हम बात करें तो ये आपका आम रहने वाला है, प्रहारा में आपका आम रहेगा, और उपवनम इति पदे उपसर्गस्ति, तो ये भी आपका आम रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर छठे को देखिएगा, अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसका सॉल्यूशन अपन अच्छे से देखते हैं। चलिए तो छठा क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है आपको, बढ़िया से पढ़ के चले जाइएगा एक बार परीक्षा हॉल में जाने से पहले, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन से इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, और मैथ्स के लिए है ना, मैथ्स के लिए मैंने आपको 6 सेट प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये अथवा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख लीजिएगा यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कृषका किम करोति इसमा, तो ये कृषका वल्ली वर्धया अभयम क्षेत्र कर्षम करोति इसमा हो गया, और ये यहाँ से माता सुरभि किमर्थ आश्रुणी मुच्यति इसमा, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 वाला। और 9वां को यदि देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को,
तो यहाँ पर आप देख लेना है ये, ठीक है, नारायणाम प्रथम शत्रु का तो क्रोध आ जाएगा, और ये इसके अथवा वाला है, तो ये कर दोगे पूरा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देखिएगा, निर्दता किम के कथम विपत्ते उपार्जितवान, तो यहाँ पर जो कथम आ जाएगा उसकी जगह पर भूरी लिख देना आपको, केवल क्या लिख दोगे, भूरी, और बाकी अब ये जो प्रश्न निर्माण है इनको देख लीजिएगा आप यहाँ से, ये 11वां है तो ये 11वां का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हो गया है। 12वां का कम कथियती, तो ये मैंने भर दिया ये, और सुभाषतानी के श्लोक 13वें में तो याद कर लिया हर बच्चों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, रामस्य का हो जाएगा रामेन, बालकम का हो जाएगा बालकाय, अहम दुग्धम रोचते तो महाम दुग्धम हो जाएगा, यहाँ से तड़ा गे आ जाएगा। यदि हम आगे की बात करें तो यहाँ से पहले में आपका अत्र भर देना, यहाँ पर पढ़ के चले जाइएगा, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। स्थित प्रज्ञा है, वाचम है, प्रथम आ जाएगा, राजपुत्र आ जाएगा, भ्रसम आ जाएगा, 6 पेपर मैंने दिए हैं, जिन बच्चों को वास्तव में 75 चाहिए तो 6 करने पड़ेंगे, हाँ एक पेपर से इतनी गारंटी ले सकते हैं 30 से 40 नंबर तक का फंस जाएगा, बस ये है। यहाँ से क्रम से योजन घटनाक्रम है तो ये पहले आ जाएगा, दूसरा यदि आप बात करो तो ये गच्छे गच्छे वाला आ जाएगा, तीसरा स्वामीन वाला, और चौथा जो है माँ निजगले, ठीक है, और इसके अथवा वाला को देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा, वाच्य परिवर्तन क्रूत, ठीक है भैया, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये पूरा भर दिया है, देखो ध्यान से आप, तो इसके बाद में ये इसका अथवा 18 का अथवा का, तो 18 का अथवा का स्क्रीन छोड़ दे देता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे हो गया इतना, ये स्क्रीन शॉट ले लिया तक का, अब ये यहाँ पे इसके प्रश्न ये, चलिए इसके बाद में ये यहाँ से इसका डा वाला है, प्रश्न भी लिख दिए यहाँ पे, है ना। 19वें क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अब आप ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ से इसके बाद में ये यहाँ पे, ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का ये तो प्रश्न यहाँ पे देखो, और ये यहाँ से हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, हो गया इतना, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को देख सकते हैं, फिर इसके अथवा वाला ये है, हो गया। चलो इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 हैं, ये इतना बढ़िया से आप तो कंप्लीट तो करो, इनमें से आपका फंसेगा 100% श्योर है, ठीक है।